M004, this is Mubin and Pak with another important question, that is of textbook number 2. We were discussing about the important regulatory framework of the business environment. In that, the first topic was, the basic business law. So here itself I have said that I will be giving, yani ki main isko achhi tarah se explain dusre section mein karungi. So another important question is the explain the basic business laws of the business. So the answer for that question comes from the MCO04 question textbook number 2 and the page number 13 and 14. I have created short notes for the basic business laws. The question which was posed was basic business laws for the business environment. Basic business laws for the environmental business. Basic business laws. So I have already said here, law of contract, agreement which can be enforced in the court of law. So, एग्रीमेंट विच कैन बी एनफोर्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब अगर ए और बी दोनों मिलकर एक बिजनेस शुरू करते हैं तो उसके पहले वो एक एग्रीमेंट बनाता है, वो है एग्रीमेंट विच कैन एनफोर्स इन द, यानी कि इट शुड नॉट बी एन म्यूचुअल एग्रीमेंट, इट शुड बी एनफोर्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ. यानी कि अगर आप फ्यूचर में कोई झगड़ा हो तो अगर आप एक कोर्ट के सामने यानी कि पुलिस के सामने इसके प्रेजेंट करते हो तो इट शुड बी एनफोर्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि कोर्ट उसको एक्सेप्ट करने के लिए तरह के एक एग्रीमेंट होना चाहिए. इट इज़ एम्बोडीड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो ऑलरेडी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दैट इज़ 1872 में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व हुआ है. इट ऑल्सो इन्वॉल्व विद द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट एंड लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वो क्या, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में और भी बहुत तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज. नॉर्मली अगर हम एक चीज़ परचेज करते हैं तो वो नॉर्मली कहते हैं कि यानी कि वो गारंटी है, तो उनका भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टी, ये सब अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी आप देखें और या कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देखिए यानी कि और या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, इस सब में राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टीज मेंशन हुआ है. इंडेमनिटी में बेलमेंट में बेलर और बेली, प्लेजर में प्लेजी और प्लेजर के बीच में, यानी कि ये बेलर बेली मतलब द पर्सन विच इज़ इन्वॉल्विंग इन द बेलमेंट. बेलमेंट मतलब क्या है, जामियम और या जामीन एंड ऑल हम वैसे भी कह सकते हैं, आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड. Bailment in Hindi and normally we say Malayalam like jam something. So rights and duties of the party, all these laws will be included, rights and duties of the parties. Or next here, Sales of Goods Act 1930. What is that? Sales of Goods Act 1930. Sales of Goods Act 1930 mein involve hua main hai ye ki it is a part of the Indian contract hai. This matter I have said earlier. What is that? The Sales of Goods Act and Indian Partnership Act. What is that? Sales of Goods Act and Indian Partnership Act was there in the law of contract. Ye dono, Sales of Goods Act or Indian Partnership Act, dono law of contract mein tha. लेकिन लेटर थोड़ी बात क्या हुआ कि ये इनसे सेपरेट होकर दूसरा हो गया, यानी कि बदलाव आ गया, तब ये डिफरेंट हो गया. यानी कि जब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 हुआ और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हुआ, समझे. सो पास ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेटर सेपरेट लेजिस्लेशन, यानी कि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक पार्ट था लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन वो लेटर एक सेपरेट लेजिस्लेशन हुआ. मगर लेटर क्या हुआ कि वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं इन्वॉल्व हुआ था, वो एज ए सेपरेट लेजिस्लेशन वो इन्वॉल्व हुआ था. कैसे? एज ए सेपरेट लेजिस्लेशन. फिर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट यानी कि गुड्स मतलब ही आपको पता है कि यानी कि इट कैन बी द थिंग्स विच कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. फॉर एग्जाम्पल मेनली इट इन्वॉल्व्स मूविंग मूवेबल प्रॉपर्टी. सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में सबसे मेन है कि मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि अगर एक चीज़ को हम मूव कर सकते हैं वो सब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. द थिंग विच कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज इन्वॉल्व्ड इन द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन मूवेबल प्रॉपर्टी. अदर दैन दी क्लेम्स एंड मनी, यानी कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में हम क्लेम्स नहीं कर सकते, यानी कि उतना या कोई विल प्रॉपर्टी पेपर या मनी, वी कैन नॉट डू दैट. इट हैज़ इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटीज, दिस इज इम्पॉर्टेंट. इट हैज़ इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटीज,
सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में हम कभी भी मूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा, यानी कि वी कैन नॉट से दैट मनी कैन बी इंक्लूड इन सेल्स ऑफ गुड एक्ट, नो, सेल्स ऑफ गुड्स मीन ओनली द मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स, मूवेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द गुड. मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब अगर हम एक चीज़ को दूसरे स्थल के प्रमोट कर सकते हैं वो है मूवेबल प्रॉपर्टी, अदर दैन क्लेम्स एंड मनी, यानी कि हम पैसे को इसमें इन्वॉल्व. इट हैज़ इम्प्लाइड कंडीशन. इम्प्लाइड कंडीशन मतलब एग्रीमेंट होगा वो रिटन होगा. एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट है, वैसे भी इम्प्लाइड मतलब द एग्रीमेंट विच इज़ रिटन. अगर हम लिखकर एक एग्रीमेंट बनाते हैं वो कंडीशन और वो भी नहीं गारंटीज. इम्प्लाइड कंडीशन मतलब रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, ये प्रॉपर्टी है तो क्या होगा, और वारंटीज भी होगा. और वो भी नहीं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, वो एक कॉमन सेंस है. इसे कॉमन सेंस सेल्स ऑफ गुड्स मीन्स वॉट, डेफिनेटली दे पेमेंट प्रॉब्लम विल बी देर, सिक्योरिटीज प्रॉब्लम विल बी देर, रिपेयरिंग प्रॉब्लम विल बी देर, ऑल दिस दैट इज अ कॉमन सेंस स्टेटमेंट. सो आई डेंट राइट इट ऑल हियर. लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने कहा था, और दीज आर जस्ट द शॉर्ट पॉइंट्स. यू कैन एक्सपैंड इट हाउ मच यू वॉन्ट बाई द एक्सप्लेनेशन यू वॉन्ट. द नेक्स्ट कम्स सेल्स ऑफ गुड्स एंड डिलीवरी. फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. अगर हम वर्ड पार्टनरशिप कहते हैं तो मैंने ऑलरेडी कहा था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट वॉज अ पार्ट ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट लेटर इट गॉट अ सेपरेट लेजिस्लेशन, यानी कि वो दूसरा हो गया. और नेक्स्ट आते हैं कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट मतलब अगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी सेम वे है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट था इसलिए. फिर पर्सनल नो एडवाइस टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन ऑल आर एक्टिंग फॉर ऑल. फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट इज लाइक डिसोल्यूशन ऑफ टू शेयर द प्रॉफिट. Person agree to share the profits of a business carried on all or acting for all. For example, like एक person होगा, A और B partners बनेंगे. एक आदमी है तो individual, दो आदमी है तो partner होंगे, isn't it? So A और B दोनों एक partner के form में एक दूसरे के आते हैं, क्योंकि they want to run a business. वो एक business start करना चाहते हैं, उसके बाद उसे जो profit मिलता है वो उसे अपनाते हैं. वो है Indian Partnership Act. Of a business carried on all, that means what? अगर profit मिलेगा तो भी share होगा, दो आदमी के बीच में शेयरिंग होगी. यानी कि ये नहीं कि ए बोलेगा नहीं मुझे फुल प्रॉफिट चाहिए. नो, इफ टू मैन ए एंड बी आर इन्वॉल्विंग इन अ पार्टनरशिप दे शुड शेयर द प्रॉफिट अमंग देमसेल्फ एक्टिंग ऑन ऑल, मतलब बोथ ऑफ देम. देन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. अगर यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, यानी कि पार्टनरशिप में आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं लेकिन आपको थोड़ी बात सोचते हैं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तब एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है. डिसोल्यूशन मतलब यू डोंट वॉन्ट पार्टनरशिप. आपको पार्टनरशिप एक्ट के वैसे पार्टनरशिप नहीं चाहिए. तो फर्स्ट है म्यूचुअल एग्रीमेंट नोटिस. म्यूचुअल एग्रीमेंट मीन्स व्हाट? दोनों एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आते हैं. ओके, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब मुझे भी नहीं चाहिए तुम्हें भी नहीं चाहिए. ओके, और नेक्स्ट होगा नोटिस. अगर लीगल नोटिस देखिए तो भी आप पार्टनरशिप एक्ट से आउट आते हैं. ऑपरेशन ऑफ लॉ बाय इलीगल. अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो इलीगल होगा, यानी कि ड्रग्स स्मोकिंग समथिंग होगा हो तो वो ड्रॉप कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. मैंने ऑलरेडी कहा था प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक. इसमें सबसे ईजी वाला है चेक. अगर आप बैंक में जाएंगे तो चेक देंगे तो इफ़ यू आर गिविंग चेक मीन्स दे विल गिव यू मनी, isn't it? Bill of exchange drawn by a banker only on demand. यानी कि आप एक चेक एक बैंकर को देते हो तो डिमांड के अनुसार ही वो देंगे, यानी कि आपको चाहिए तो वो देंगे. Several provisions are relating to the dishonor. अगर आप यानी कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ ब्लैक मनी चेक कुछ देखते हो तो वो भी नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में इन्वॉल्व होते हैं. नेक्स्ट इज द आर्बिट्रेशन एक्ट. आई हैव ऑलरेडी सेड वो एक एग्रीमेंट है. आप राइट यानी कि लिख कर देते हैं कि अगर फ्यूचर में कुछ होगा तो ये एक्शन करना चाहिए. वो है आर्बिट्रेशन एक्ट. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मीन्स नॉर्मल एक्सचेंज चेक के अंदर. अगर हम कोई जगह जा नहीं सकते हैं तो तब हम ये चेक देंगे तो वो ट्रांजैक्शन सब इजी हो जाएगा. वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. आर्बिट्रेशन एक्ट मतलब अगर आप डिस्प्यूट हो तो अगर कुछ फ्यूचर में हो तो क्या सब कुछ करना चाहिए. सो दीज आर द बेसिक बिजनेस लॉज. आई रिपीट यू देयर आर 5 टॉपिक्स. अगर आपको कुछ डाउट है तो सब्सक्राइब कीजिए कमेंट बॉक्स में.